छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा निरंतर जारी रही। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान रेडी टू ईट फूड आदिवासियों के रीति रिवाजों के संरक्षण गौठानों का मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने गौठान से संबंधित गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रायपुर में ST/ST युवाओं के नग्न प्रदर्शन पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बहस शुरू होने के पहले हार गई। अरे भाई अभी प्रश्नोत्तर चलिए ना। तो लीजिए उपस्थिति को, न समर्थन करने वाले बैठे हैं, न जिनको समर्थन चाहिए। तैयारी में लगे होगी ना जिनको समर्थन। माननीय राम पुकार जी, माननीय राम पुकार जी, आजकल तो आप हमारी ओर हो, समझ रहे हो ना? सरकार के परमानेंट आइटम। माननीय राम पुकार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब महिला बाल विकास परियोजना से मिला है, उस जवाब से मैं सहमत हूं, परंतु एक छोटा सा प्रश्न है जानकारी के तौर पर कि रेडी टू ईट का सामान कहां से सप्लाई किया जाता है, और पत्थलगांव विधानसभा या जशपुर जिले के लिए कौन व्यक्ति है जो उसकी सप्लाई करता है, इसकी जानकारी दे दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, रेडी टू ईट का निर्माण राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा किया जाता है और उन्हीं के वेंडर के द्वारा सप्लाई भी किया जाता है। जो मूल प्रश्न है वो गौठान से संबंधित जी, गोबर से संबंधित, ठीक है, जो इस सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इसमें एक तो मेरा आग्रह यह है अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ना शुरू करेंगे पहले, अभी जितने उत्तर आ रहे हैं सभी विभागों से, या तो ये आ रहे हैं कि जानकारी एकत्र की जा रही है, दूसरा जो है इतने गलत सलत आ रहे हैं। अब आपको मैं पढ़ के बताता हूं। नहीं, इस बारे में अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए जी, अपने क्वेश्चन के बारे में बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूं ना, उसी तरफ तो बढ़ रहा हूं। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो पूछा था उसके उत्तर में बताया गया है कि अपूर्ण गौठानों की संख्या 84 बताई गई है, जबकि संलग्न परिशिष्ट 2 में जिला कोरबा में, जहां से आप सांसद रहे, में स्वीकृत गौठानों की संख्या 53 तथा पूर्ण की संख्या 90। स्वीकृत है 53 और पूर्ण बता दिया 90, ठीक, एवं अपूर्ण गौठानों की संख्या 20, 53 स्वीकृत है, 90 पूर्ण है। ये इस सरकार का हाल है गौठान, ये कोरबा जिले का बता रहा। अब उसी तरह 2023-24 में आप अपने जांजगीर जिले में जाओ ना, कोरबा में कैसे पूर्ण? नहीं, मैं आ गया हूँ जांजगीर तरफ। जांजगीर रहिए। उसी तरह 2023-24 में 30 जून 2023 तक स्वीकृत गौठानों की कुल संख्या 77 और पूर्ण होगा 101। अब उसके बाद अपूर्ण बता रहा है 43। परिशिष्ट 2 में जांजगीर चांपा जिले में 2023-24 में स्वीकृत 10 गौठान, केवल एक पूर्ण हुए, 9 अपूर्ण है। मैं एक तो ये बताता हूं कि ये जो विसंगति है, क्या आपने पूर्ण कम बताया है, स्वीकृत ज्यादा बताया है, तो एक तो आप पहले इसको सुधारे, इसके लिए कौन दोषी है इस प्रकार का उत्तर देने के लिए? दूसरी बात यह है माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताया कि 10 स्वीकृत है, एक ही पूर्ण है, 9 क्यों अपूर्ण है अभी तक? ये दोनों बातों की जानकारी माननीय मंत्री जी पहले दे दें। माननीय मंत्री जी अभी नए नए आए हैं, पड़ोस वाले मंत्री से पूछ सकते हैं। दोनों सांझर मिंझर करके दे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, दोनों सांझर मिंझर करके अध्यक्ष जी दे। संवैधानिक पदों में बैठने वाले लोग नए पुराने नहीं होते। अच्छा, वो तो बैठे मतलब स्टार्ट लो है, और उसके बाद पहले मंत्री रह चुके हैं, सभी सदन का अनुभव है। नहीं, पूर्व मंत्री भी सहायता कर सकते हैं उनकी, ये मैं कह रहा हूँ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो जानकारी क ख ग में आपने पूछा सदस्य जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने, उसको जानकारी जो दिया गया है आंकड़ा, वो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी इसमें नहीं है। 10,336 गौठान स्वीकृत किए गए, प्रश्न जो समय है प्रश्नावधि उसमें, और 10,240 गौठान पूर्ण कर लिए गए हैं, 84 गौठान विभिन्न कारणों से अपूर्ण है, और 12 गौठान कार्य प्रारंभ अभी नहीं हो पाया है।
क्योंकि वहाँ अभी व्यवस्थाएं हो नहीं पाई है और अपूर्ण जो है उसके कारण भी है कि वह कहीं जमीन का विवाद है, कहीं कुछ है, इसलिए वो प्रारंभ नहीं हो पाया है। नहीं, विशेष करके वो कोरबा और जांजगीर के बारे में पूछ रहे हैं। जांजगीर में रहते अध्यक्ष जी, कोरबा में जो आप आंकड़ा दे रहे थे मैं बता देता हूँ, 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2019 तक कुछ भी स्वीकृत पूर्ण अपूर्ण नहीं। वित्तीय वर्ष 19-20 में 62 स्वीकृत हुए, 62 पूर्ण हो गए। वित्तीय वर्ष 20-21 में 118 स्वीकृत हुए, 118 पूरा हो गया। वित्तीय वर्ष 21-22 में 91 स्वीकृत, 91 पूर्ण। 22-23 में 9 स्वीकृत, 9 पूर्ण। और वर्तमान में 23-24 में 30 जून तक 51 स्वीकृत, 51 पूर्ण, कुल 331 स्वीकृत, 331 पूर्ण है। सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये परिशिष्ट में आपने जो जानकारी दी मैंने उसी को पढ़ा है, ठीक है। अब दिक्कत ये है, मैं आपके विभाग को कहूं या सचिवालय कहूं, सचिवालय के बारे में कहना उचित नहीं है, लेकिन अभी मेरे को संशोधित उत्तर अभी प्राप्त हुआ, जब मैं प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हो रहा था तब। ये व्यवस्था को कृपया सुधारिए, ये विधानसभा के गरिमा के और नियमों के खिलाफ है। दूसरी बात, मैंने पूरे प्रदेश के गौठानों के संबंध में प्रश्न किया था, 2 जिले का तो मैंने आपसे विशेष रूप से उल्लेख किया। अव्यवस्था का जो आलम है उसके बाद मैं बता रहा हूं, गोबर खरीदी में जो अनियमितता हो रही, प्रदेश में कुल गोबर खरीदी का आपने बताया भुगतान 286 करोड़ रुपए आपने जानकारी दी है गोबर खरीदी का, और मैंने जब उसकी जानकारी ली तो वो आपने बताया उसके विरुद्ध निर्मित वस्तुओं की बिक्री ये 17 करोड़ रुपए उसमें आ रहा है, 286 करोड़ और 17 करोड़ बिक्री कितने की हुई, 17 करोड़। अब ये बताओ मुझे आप, 229 करोड़ रुपए बचा हुआ है वो कौन रखा है यहां पर, ये बताए इसमें से कोई रखा है क्या 229 करोड़ रुपए, उसके बारे में आप मुझे जानकारी दे। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश की जानकारी उपलब्ध वर्षवार आपने पूछा है करा दिया गया है, जानकारी कल ही प्रेषित कर दिया गया है। कुल हम लोगों ने जो गोबर खरीदा है माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 में भी, 20 में भी, 21, 22, 23 वर्तमान 23 तक का